तो इस पर जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। इटरेटिव स्टेटमेंट्स हमारे पास जो है तीन तरह की है, ठीक है जी। पहली व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर लूप, ठीक है। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। बात करते हैं पहले व्हाइल लूप, व्हाइल लूप की। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है व्हाइल, इसके अंदर कुछ कंडीशन होगी इस ब्रैकेट के अंदर। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये वाला ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज आउट ऑफ ब्लॉक जाएगी एंड काम करेगी जो बाकी स्टेटमेंट है। अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक रन होगा एंड इस ब्लॉक के बाद हमारा आउट ऑफ ब्लॉक वाला काम चलेगा, लेकिन अगर फॉल्स है तो सीधा आउट ऑफ ब्लॉक में जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल एंड देन कंडीशन, इसमें क्या होता है हमारा प्रोग्राम एक बार तो चलेगा ही चलेगा बिना कंडीशन दिखाए, एंड फिर ये कंडीशन चेक करेगा, एंड अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वापस कोड रन करेगा, एंड अगर फॉल्स है तो सीधा इधर आ जाएगा एंड आगे की स्टेटमेंट रन करेगा, एंड आगे की स्टेटमेंट रन करेगा, ठीक है। आगे बात समझ। अब बात करते हैं फॉर लूप की, जो बहुत जगह यूज होता है ना, बहुत जगह यूज होता है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। देखो फॉर लूप में सबसे पहले हम कुछ इनिशियलाइज कराते हैं, जैसे इंट आई, आई लेस देन 10 एंड आई प्लस प्लस, मतलब मैंने आई इनिशियलाइज कराया इक्वल्स टू 0 कर दिया, चलो देन आई प्लस प्लस बड़ा 1, कंडीशन चेक की ट्रू है तो इसके अंदर की स्टेटमेंट रन होगी, एंड अगर फॉल्स है तो बाकी स्टेटमेंट चलेगी, एंड अगर फॉल्स है तो बाकी स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। उनमें भी इंक्रीमेंटेशन होता है, इनमें भी इंक्रीमेंटेशन होता है। अगर इनकी बात करें तो इसमें भी जैसे व्हाइल लूप था तो व्हाइल में जो कंडीशन थी इसके लास्ट में कुछ इंक्रीमेंटेशन इधर दिया गया होगा, डू व्हाइल में डू करके इंक्रीमेंट किया गया होगा, देन व्हाइल में कंडीशन चेक की गई होगी, ठीक है। जैसे यहाँ आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर अपडेशन कुछ होगा नहीं तो लूप बार बार चलता जाएगा ना, कंडीशन तो वो ही रहेगी, तो अपडेशन होगा जब भी तो कंडीशन फॉल्स होगी एंड जब भी तो नीचे जाएगा, नहीं तो इसी ग्रुप में घूमता रहेगा, इसी ब्लॉक में घूमता रहेगा, ठीक है। सो ये थे हमारे लूप्स। अब इसी में एक चीज आती है, नेस्टेड लूप क्या है। बहुत सारी चीजें ना बुकों में इतनी बड़ा चढ़ा के लिखी है कि क्या कहें। नेस्टेड लूप किसको बोलते हैं? लूप इनसाइड दी लूप, कोई एक लूप है फॉर का, इसी के अंदर एक और लूप है फॉर का, तो इसको कहते हैं नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। व्हाइल के अंदर व्हाइल, कोई भी लूप, एक लूप के अंदर दूसरे लूप को कहते हैं नेस्टेड लूप, उसको कहते हैं हम नेस्टेड लूप, ठीक है। आई होप सबके पास समझ आई होगी। इसके अगली प्रेजेंटेशन में हम ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट की बात करेंगे। ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी टेस्ट में बड़ी पूछी जाती है इनके डिफरेंस, कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करती है, कंटिन्यू क्या काम करती है, एंड गो टू स्टेटमेंट क्या काम करती है, ठीक है। सो इनकी भी हम बात करेंगे। सो उसके बाद हम अगली प्रेजेंटेशन से शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। और किसी को कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू।